बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी मुख्तसर वीडियो में आपको बताएंगे कि उमरा वीज़ा के लिए जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि लोग सऊदी अरब से बाहर से उमरा करने के लिए यहां पर आ रहे हैं, उनके लिए पीसीआर की या फिर जो है इसके अलावा क्वारंटाइन या उसके अलावा दूसरी किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से डिटेल रिपोर्ट आई है। सऊदी गज़ट की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज ने कन्फर्म किया है कि सऊदी अरब से बाहर से आने वालों के लिए जो कि उमरा के आ रहे हैं, उनके लिए नेगेटिव पीसीआर टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। उनको यहाँ पर कोई पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है आने के लिए। उनको जो आने के लिए ज़रूरी है वो है उनके पास कोविड-19 जो वायरस है उसकी इंश्योरेंस जो है वो उसमें शामिल होनी चाहिए, जो उमरा के लिए लोग आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि विजिट वीज़ा पर आने वालों के लिए, उमरा वालों के लिए भी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, और उसके अंदर कोविड-19 की कवरेज जो है वो शामिल होना चाहिए। और जो आपको बताते चलें कि जो मक्का और मदीना है, पहले सिर्फ उमरा के लोग यहाँ तक ट्रैवल कर सकते थे, अभी वीज़ा भी 3 मंथ्स का हो गया है, और इसके अलावा वो पूरे सऊदी अरब के अंदर जो है वो कहीं भी जा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि अभी जो है उमरा के लिए आपको किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप जो मिनिस्ट्री की तरफ से उमरा वीज़ा के ई प्लेटफॉर्म हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, उनके ज़रिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, खुद से अपना पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, खुद से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप ये देखिए, सऊदी गज़ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये लिंक दिया गया है, इस लिंक को जब ओपन करेंगे यहाँ पर आपको ये लिंक दिखा देते हैं, ये maqam.gds.haj.gov.sa, इसको हमने कॉपी करके जब यहाँ पर खोला है तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर उन कंपनीज़ की लिस्ट आ रही है जिनके थ्रू आप उसको ओपन करके इनके थ्रू आप उमरा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट, आपने अपना पैकेज सेलेक्ट करना है, उसकी फ़ीस अदा करनी है, और नॉर्मली जो है बहुत जल्दी जो है ये वीज़ा दिया जा रहा है। दूसरा, आपकी कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज एक सेलेक्ट करता हूँ, देखिए मैंने उस पर क्लिक किया तो वो आपको उस कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पर, वहाँ पर मैंने easyumrah.com ये खोला है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सिंपल है, आप स्टार्ट जर्नी, यहाँ पर फ्लाइट, ट्रांसफ़र, होटल, या आपने किस डेट को आप करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सपोज 24 अगस्त सेलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर दूसरी डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, कोई ये डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके, और इसको स्टार्ट उमरा जर्नी कर देते हैं। और यहाँ पर स्टे सऊदी अरब के अंदर आपको कहाँ करना है, जद्दा, और नेशनैलिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कौन सी नेशनैलिटी है आपकी, इंडिया, पाकिस्तान, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी फिर उसी हिसाब से आएगी यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट उमरा जर्नी। उमरा वीज़ा, डू यू नीड उमरा वीज़ा विद योर बुकिंग, आप इसको येस करेंगे, आपको उमरा वीज़ा भी चाहिए, ठीक है। आपने ये सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट कर ली, नेशनैलिटी सेलेक्ट कर ली है आपने, जद्दा, मक्का, मदीना एयरपोर्ट, और व्हीकल क्वांटिटी 1, और जो है उसके अलावा आप इसको स्टार्ट उमरा जर्नी कर देंगे, ओके। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको स्टे इन सऊदी अरेबिया, आप मक्का सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर भी आप मक्का सेलेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जी दूसरी सेलेक्ट करें, मक्का और मदीना। चलिए हमने ये सेलेक्ट करके इसको ओके कर दिया। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है द सेलेक्टेड सर्विस क्राइटेरिया इज़ नॉट वेल, प्लीज़ मॉडिफाई योर सर्च। आप इस हिसाब से अपनी यानी कि जो चेंज करके इसको देखते जाएंगे। मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँगा, देखिए ये साइट पर कीमत भी आ रही है, प्रोसीड टू चेकआउट। आप अपने हिसाब से डेट वगैरह सेलेक्ट करके देख लीजिएगा, यहाँ पे प्राइस रेंज भी आ रही है, वो आपका जितना पैकेज बनेगा चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको खुद से ट्राई करके इसको कीजिएगा, आपका इंशाल्लाह जो है आपको किसी की भी सर्विस नहीं पड़ेगी, आप मक्का, मदीना, होटल, ईच एंड एवरीथिंग आप खुद से बैठे बैठे अपने घर में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।